फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य कृपाल परमार को फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दी है, जिस कारण भाजपा मंडल फतेहपुर ने विरोध करना शुरू कर दिया है। फतेहपुर भाजपा मंडल ने भाजपा के बलदेव ठाकुर के प्रति अपनी आस्था बताते हुए कृपाल परमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर हंगामा किया। फतेहपुर मंडल अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने बताया कि मौके पर पार्टी ने जो प्रत्याशी बदला है वह कार्यकर्ता और मंडल फतेहपुर का मंजूर नहीं है। बलदेव ठाकुर से आग्रह किया कि वह चुनाव लड़े, फतेहपुर की जनता आपके साथ है। देखिए कि इससे पहले पिछले 5 साल से पार्टी ने हाईकमान ने जो भी काम पार्टी को दिए वो बलदेव ठाकुर के नेतृत्व में दिए और मंडल ने उनके अधीन रहते हुए तमाम पार्टी पालन किया और पार्टी जितनी अब देश के आप अगले प्रत्याशी होंगे वाले और ऐन मौके पर इन्होंने जो प्रत्याशी बदला है ये मंडल को या हमारे कार्यकर्ता को मंजूर नहीं है और दुनिया विद्रोह कर रही है और ये बलदेव ठाकुर जी को कबल कर रही है कि आप इलेक्शन लड़ो हम आपके साथ। वहीं बलदेव ठाकुर ने कहा कि जहां पार्टी ने तमाम मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया है, जो सभी कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा वही मेरा निर्णय होगा। पार्टी हाईकमान से निवेदन किया जाता है कि वह अपने फैसले को बदले। कृपाल परमार बाहर का व्यक्ति है, इसे फतेहपुर में कोई नहीं जानता। अगर पार्टी ने अपना फैसला नहीं बदला तो कृपाल परमार 1000 से ज्यादा वोट नहीं ले पाएगा। अगर पार्टी ने अपना फैसला नहीं बदला तो जनता का फैसला है कि मैं चुनाव लड़ूं और मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। हमने यहाँ पर पार्टी के तमाम मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है और सभी कार्यकर्ताओं का जो निर्णय होगा वो बलदेव ठाकुर का निर्णय होगा। हम पार्टी हाईकमान से ये निवेदन करते हैं कि वो अपना फैसला बदलें। ये बाहर का व्यक्ति है, इसे फतेहपुर में कोई नहीं जानता। अगर ये पार्टी ने फैसला नहीं बदला, ये चुनाव लड़ेगा तो 1000 से ज्यादा वोट ये नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसको यहाँ कोई नहीं जानता है। मेरी हाईकमान से ये प्रार्थना है कि तुरंत अपना फैसला बदलें और टिकट जो है, मैं पिछले 25 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और पिछले भी चुनाव मैंने इस विधानसभा क्षेत्र से लड़ा, मैंने दूसरी पोजीशन पर जहां पर मैं आया था और पिछले 5 वर्षों से मैंने लगातार यहां पर संगठन खड़ा किया। बीजेपी का यहां संगठन की कोई चीज नहीं थी। मैंने नए सिरे से जहां मंडल का संगठन बनाया, मोर्चे प्रकोष्ठ गठन किए, उसके अलावा बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, बीएलए, ग्राम केंद्रों के संयोजक, पन्ना प्रमुख तक मैंने बूथ के निचले लेवल तक संगठन खड़ा किया। वर्षों मैंने मेहनत की इस क्षेत्र के लिए और पिछले 5 साल से मैं एक दिन घर नहीं बैठा। मैंने कंस्टिट्यूंसी का घर 2 बार घर घर जाकर लोगों से मिल चुका हूं और लोगों का मानना है कि आप चुनाव लड़ें, अगर पार्टी अपना फैसला नहीं बदलती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और मुझे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। कार्यकर्ता सब मेरे, फतेहपुर का कार्यकर्ता सब मेरे साथ है और मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा अगर पार्टी ने फैसला अपना नहीं बदला तो। मित्रों, मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, परमार जी, अगर आपकी बड़ी चलती थी तो आपने इस गरीब व्यक्ति के ऊपर क्यों हमला किया? तेरे पास तो चक्की पार आते नूरपुर का क्षेत्र भी था, वहां से तू टिकट ले लेता, लेकिन क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहां राकेश की जुत्ती भारी थी और नूरपुर के लोगों से यह डरा कि नूरपुर के लोग अपने स्वाभिमान के लिए अच्छी तरह लड़ना जानते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि परमार जी, जब मैं मानता हूं कि हमारे फतेहपुर के जो लोग अधिकतर किसान हैं, कोई नौकरी करते हैं, जहां इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, जहां बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र नहीं है, यह निर्वाचन क्षेत्र गरीब है और जहां का हमारा जो नेतृत्व कर रहा था वो व्यक्ति किसान का बेटा गरीब था, इसलिए चुनना यहां करनी।